नाजरीन का T9 TV न्यूज़ में खैर मकदम है। TRS पार्टी की जानिब से आज पार्टी दफ्तर वाक़े न्यूटाउन में एक सहाफती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि अलहदा रियासत के क़याम में शहदाए तेलंगाना के साथ साथ चीफ मिनिस्टर KCR की खिदमत का भी अहम रोल है। रियासत के क़याम के बाद आज रियासत की तरक्की के लिए इसी जज्बे के साथ चीफ मिनिस्टर KCR काम कर रहे हैं और उन्होंने इस रियासत में अवाम और किसान के लिए कई एक बहबूदी स्कीम मुतारफ़ किए हैं, जिसकी वजह से सारे मुल्क में रियासत को अव्वल मुकाम हासिल हुआ है। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने महबूब नगर जड़चल्ला की आवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए बताया कि हुकूमत की जानिब से इस इलाके की तरक्की के लिए GM नंबर 76 के तहत महबूब नगर डेवलपमेंट अथॉरिटी का ऐलान किया है। वजीर मौसूफ ने कहा कि इस अथॉरिटी के अमल में आने से इलाके की अराजियात की कीमतों में इजाफा होगा और सारा इलाका महबूब नगर भोतपुर जड़चल्ला की हमा जहती तरक्की यकीनी होगी। इन्होंने इस मौके पर चीफ मिनिस्टर से महबूब नगर अर्बन अथॉरिटी के क़याम पर इजहार तशक्कुर किया। सदर TRS पार्टी जिले महबूब नगर सी लक्ष्मण रेड्डी MLA जड़चल्ला ने कहा कि चीफ मिनिस्टर व पार्टी सदर KCR की जानिब से उन्हें महबूब नगर पार्टी सदर नामजद किए जाने पर चीफ मिनिस्टर से इजहार तशक्कुर किया। इन्होंने मजीद कहा कि अलहदा रियासत के क़याम में शुदाए तेलंगाना के साथ साथ चीफ मिनिस्टर KCR की खिदमत का भी अहम रोल है। रियासत के क़याम के बाद आज रियासत की तरक्की के लिए इसी जज्बे के साथ चीफ मिनिस्टर KCR काम कर रहे हैं और इन्होंने रियासत में अवाम और किसान के लिए कई एक बहबूदी स्कीम मुतारफ़ की है, जिसकी वजह से सारे मुल्क में रियासत को अव्वल मुकाम हासिल हुआ है। इस मौके पर सदर नशीन बल्दिया C. नसीमुलु, रियासती सेक्रेटरी TRS इम्तियाज़ इसाफ़, मकबूब तहफ़ुज़ कमेटी ख्वाजा फ़याज़ुद्दीन, अनवर पाशा बल्दी फ्लोर लीडर शब्बीर अहमद व दीगर मौजूद थे। आइए देखते हैं, रियासी वजीर बरए आबकारी करी डॉक्टर वी श्रीनिवासगौड़ की काविशों ने महबूब नगर की तरक्की राह में एक और संग मैल पार कर लिया है। जी हाँ, आज रियासती हुकूमत ने GA नंबर 76 जारी करते हुए महबूब नगर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का ऐलान कर दिया। इसमें रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवासगौड़ की काफ़ी जदोजहद शामिल है। कुछ रोज़ कबल रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवासगौड़ जच्चला MLA लक्ष्मण रेड्डी और देवरखेड़ा MLA आला वेंकटेश्वर रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करते हुए महबूब नगर बल्दिया, भूतपुर बल्दिया और जड़चला बल्दिया को मिलाकर महबूब नगर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताल्लुक तश्कील देने की उन्होंने बात कही थी, जिसको चीफ मिनिस्टर ने फौरी उसके साथ उस पर अमल आवरी की तयखुन भी दिया था। और रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवासगौड़ ने चीफ मिनिस्टर से इस खसूस में बारह नुमाइंदगी करते हुए आज उस GA का इजराई अमल में लाई और इस तरह आज महबूब नगर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का क़्याम अमल में आया। यकीनन महबूब नगर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ज़िला महबूब नगर की तरक्की, यानी कि महबूब नगर बल्दिया, भूतपुर बल्दिया और जड़चला बल्दिया के अतराफ अकराम में जो आबादियाँ हैं और तीन बल्दियात की तरक्की में बहुत ही अहम रोल अदा करेगी, क्योंकि इसके लिए खुसूसी फंड्स आएंगे। यहाँ पे जो अराजियात जो रियल इस्टेट के कारोबार उसमें काफ़ी तरक्की होगी, ज़मीनों की कीमतों में इजाफा होगा, जो ज़मीनें सस्ती हों ज़मीनें कीमती हो जाएंगी। इस तरह फिर एक बार ज़िले की तरक्की में महबूब नगर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी काफ़ी अहम रोल अदा करेगा और रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवासगौड़ की खिदमत को जितना भी कहा जाए इसमें कम है, क्योंकि इन्हीं की काविशों के नतीजा है कि ये आज GA नंबर 76 जारी हुआ और महबूब नगर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद हुसैन के साथ मैं मोहम्मद तकी हुसैन, T9 TV न्यूज़, हर खबर से रखे आपको बाखबर।